रायबरेली उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। ऐतिहासिक होने के साथ साथ रायबरेली एक प्रमुख औद्योगिक शहर भी है। यहाँ के उद्योगों में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मुख्य हैं। इसके अलावा रायबरेली में कई ऐसे प्राचीन इमारत, मंदिर, किला मौजूद है जो कि रायबरेली की खूबसूरती को काफी हद तक उजागर करता है। इस शहर की स्थापना के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि शहर का स्थापना राजवर राजा डलदेव द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो रायबरेली के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिनमें कई सारे लोग जो है शहीद भी हुए थे, जिनकी वीरता की गाथा आज भी रायबरेली शहर के लोग गाते हैं। दोस्तों, अगर सड़क पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर UP 33 लिखा हो तो आप समझ जाएगा कि आप जो है वो रायबरेली जिला में दाखिल हो चुके हैं। ये वही रायबरेली जिला है जहाँ पर हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार आचार्य महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पहला अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स रायबरेली शहर में स्थापित किया गया था। दोस्तों, रायबरेली जिला शई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। शई नदी के किनारे पर बसा रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 620 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर यातायात की बात करें तो रायबरेली जिला जो है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। दोस्तों, रायबरेली जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम रायबरेली रेलवे जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड RBL है और रायबरेली जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म तथा 9 ट्रैक मौजूद है। इस रेलवे जंक्शन की स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी। रायबरेली जंक्शन वाराणसी रायबरेली लखनऊ लाइन, प्रयागराज लखनऊ लाइन, रायबरेली दरियापुर डलमऊ उन्नाव लाइन, अकबरगंज फैजाबाद लाइन पर स्थित है और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। रायबरेली जंक्शन के माध्यम से वाराणसी जनता एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस, मुरधार एक्सप्रेस, बरेली एक्सप्रेस, लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी कई रेलगाड़ियां जो है वो इस जंक्शन के माध्यम से होकर गुजरती है, जो कि आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। नंबर दो, सड़क मार्ग। दोस्तों, रायबरेली जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 24 गुजरती है, जो कि प्रयागराज से जो है वो लखनऊ को जोड़ती है। इसके अलावा रायबरेली जिला में और भी कई सारे छोटे बड़े बाईपास सड़क मौजूद है, जो कि यहाँ के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में भेजते हैं। इसके अलावा रायबरेली बस स्टैंड के माध्यम से लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, दिल्ली आदि शहरों के लिए जो है वो नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर तीन, हवाई मार्ग। दोस्तों, यहाँ का फुर्सतगंज एयरफील्ड यहाँ पर मौजूद है और यहाँ का मुख्य भी है, परंतु यहाँ का सबसे निकट में स्थित बड़ा जो एयरपोर्ट है वो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ का है, जो कि यहाँ से महज 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, रायबरेली जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि वो कौन सा खास घूमने के स्थान है जो कि रायबरेली जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, समाजपुर पश्चिम बिहार। दोस्तों, रायबरेली जिला में सोलन से निकट स्थित एक खूबसूरत पश्चिम बिहार है, जिसे समाजपुर पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। इस पश्चिम बिहार का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 780 हेक्टेयर में फैला हुआ है। समाजपुर पश्चिम बिहार में लगभग 250 से ज्यादा विभिन्न प्रकार की पक्षियां पाई जाती हैं। इन पक्षियों में जो है वो स्थानीय पक्षियों के साथ साथ कई बाहरी प्रवासी पक्षी भी गर्मियों के मौसम में यहाँ पर आते हैं। यहाँ के पक्षी बिहार में जो है वो कलहंस, चकवा, तिहारी, नरकवा, बत्तख, गुगल आदि प्रकार के पक्षी जो है वो पाए जाते हैं। समाजपुर पश्चिम बिहार अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ऊंचाहार रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। नंबर दो, इंदिरा गांधी स्मारक वनस्पति उत्थान। दोस्तों, लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर स्थित इंदिरा गांधी वनस्पति उत्थान को 1986 में
स्थापित किया गया था। 57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला यह उत्थान सई नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह वनस्पति उत्थान केवल सजावटी पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि अनुसंधान में वैज्ञानिकों के लिए दवाइयों के ऊपर जांच करने वाले दवाई बनाने वाले कई पेड़ पौधे जो है वो इस उत्थान में मौजूद है, जहाँ से जो है इस पेड़ पौधों को उठाकर उसकी पत्तियों को ले जाकर औषधि बनाई जाती है। नंबर 3, डल मऊ। दोस्तों, पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित डल मऊ रायबरेली जिले का ऐतिहासिक स्थल है। इस शहर के आकाशों में राजा का किला, बड़ा मठ और महेशगढ़ी मठ जो है वो आकर्षण का मुख्य केंद्र है। डल मऊ का साहित्यिक में भी एक अनोखा स्थान है, क्योंकि डल मऊ वही स्थान है जहाँ के किले पर बैठकर प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराले नीचे को दृश्यों को देखते हुए कविताएं लिखी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो डल मऊ जाना ना भूलिएगा। नंबर 4, बेहटा पुल। बेहटा पुल रायबरेली के उस बाहरे इलाके में स्थित है जहाँ पर शारदा नहर और सई नदी एक दूसरे को काटती है। इस वजह से जो है वो शारदा नहर सदी सरी नदी को पार करती है और एक नए जल सेतु का निर्माण करती है। इस मनोहर दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग जो है वो बेहटा पुल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रायबरेली जिला में और भी कई सारे खूबसूरत घूमने के स्थान है जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों, रायबरेली जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ जो है घिरा हुआ है, जिसमें उन्नाव जिला, अमेठी जिला, फतेहपुर जिला, बाराबंकी जिला, लखनऊ जिला और प्रतापगढ़ जिला है। अगर व्यवसाय की बात करें तो रायबरेली जिला में कई ऐसे उद्योग हैं जिसमें थर्मल पावर टेलीफोन इंडस्ट्रीज मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर कई छोटे बड़े कल कारखाने भी मौजूद हैं जो कि यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार प्रदान कराते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर भी आधारित है। यहाँ पर धान, गेहूं, मक्का, गन्ना यहाँ की जो है वो मुख्य फसलें हैं। दोस्तों, अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो है वो इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, पंडित राज नारायण मिश्रा डिग्री कॉलेज आदि इंस्टीट्यूट और कॉलेज जो है वो रायबरेली जिला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। लगभग 4,043 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले रायबरेली जिला की जो कुल आबादी है वो 29,35,000 है। इस 29,35,000 में 14,95,000 पुरुष तथा 14,82,000 महिलाएं मौजूद है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रायबरेली जिला के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।